आज हम आपको द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के का 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर दिए कुछ नोटिफिकेशन, उसके संदेश के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज हम उसकी पूरी डिटेल पे डिस्कस करते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से सबसे पहली बात का ये घोषणा है कि इस साल 3 बार होगी परीक्षा और संस्था को मानदंड के लिए करना होगा इंतजार। इसके साथ कुछ गुप्त रहस्य पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने जो इस साल के पहली बार उन्होंने अनाउंस किया कि जो उसके रिकॉग्निशन ऑफ द सेक्शन ए सेक्शन बी है, उसकी डेट जो है 16 फरवरी हो गई है। ओके, तो इसके पहले हर साल साल में अगर 3 से 4 बार केस की डेट बढ़ती है तो ये एक बार ही अपने वेबसाइट पे बताता है। ओके, फिर भी ऐसा क्यों बताते हैं? क्योंकि उसे ये लगता है कि अब पॉजिटिव रिजल्ट कुछ आ सकता है। तो इसके बारे में हमने पूरी जानकारी पड़ताल की पिछले कई सालों की, 2012 से लेकर के अब तक की। ओके, ये जानकारी आप भी जानकारी ले सकते हैं। एक इंटरनेशनल साइट है वेबआरसीयू, वेबआरसीयू पे क्लिक करके आप आईआई की वेबसाइट डालेंगे, उसको सर्च करेंगे, उसके बाद डेट आता है तो यहाँ से डेट को एक चेंज करके आप कोई भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो इस पर जो है कि आईआई ने पब्लिक नोटिस जो था एआईसीटीई का, वो अभी पब्लिश किया हुआ था। पब्लिक नोटिस ऑल द कंसर्न ऑफ द रिकॉग्निशन एआईसीटीई के पे क्लिक करके देख सकते थे। तो इससे यह है कि जो बच्चे बोलते हैं कि हमने एडमिशन लेने से पहले द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर से हमें ये जानकारी नहीं दी कि उस पर केस चल रहा है, तो मैं आपके साफ बता दूं कि अगर मान्यता नहीं मिलती है, स्पष्ट सुन लीजिए आप, अगर मान्यता नहीं मिलती है तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि वह पब्लिक नोटिस पहले ही 2017 में छाप चुका है। उसके पहले वह पूरे केसों की डिटेल 2012 से देते आया है। आप संयम रख के पूरी डिटेल को समझते जाइएगा। काफ़ी मेहनत के बाद हमने भी डिटेल्स को वेबसाइट से निकाला है। हालांकि यह भी जानकारी मुझे एडमिशन लेने के 7 दिन बाद पता चली थी, तो काफ़ी मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे काफ़ी ठगा सा महसूस हुआ। तो ये पूरी जानकारी उस वेबसाइट पे दी हुई है। ओके, तो जैसा आप पीछे देख सकते हैं, मैंने आपको दोबारा बता दूं कि ये साइट पे दिया हुआ है 2017 में। मैं क्लिक करके डेट पे मैंने देखा 7 नवंबर को, तो ये एआईसीटीई पब्लिक नोटिस फॉर स्टूडेंट दिया हुआ है। उसके पीछे आप जा रहे हैं रिडोली, जिसे 16 मार्च को था, 16 मार्च की एक्सटेंड डेट हुई थी 24 अक्टूबर। इसमें इसके बीच में कई बार एक्सटेंड होती थी डेट, लेकिन जब केस का होता था, अब फाइनल होने वाला है, तभी यह सिटी वेबसाइट पे देती थी। तो एक पॉजिटिव खबर है 2021 के लिए कि अभी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने अगर अपने वेबसाइट पे दिया है तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला होगा, तभी दिया है। इसलिए आप सभी अपने इष्ट या सर्वोच्च जिसे भी समझते हो या मानते हो, उन्हें उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि जल्दी जल्दी इसका पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो जिसे देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ कि ये अप्रैल की डेट बढ़ी हुई है, जो 27 अप्रैल की केस था, और फिर 30 जुलाई को इसकी डेट बढ़ी है। ओके, इसका पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, नीचे लिंक भी कुछ डिटेल्स मिल सकते हैं, तो आपको हम पॉसिबिलिटी दे देंगे। 2014 में भी डेट बढ़ी कई बार, बट कोई कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं आ पाया। ओके, सो फाइनली हम आपको सबसे लास्ट में चलते हैं। अब इसी तरीके की डेट बढ़ रही है। यूजीसी आईसीटी के बीच काफ़ी, एमएचआरडी के बीच काफ़ी बहस काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन कोई सही न फ्रेमवर्क तैयार हो पाया, न कोई डिटेल्स। इसके बारे में हमने 17 वीडियो पहले से बना रखा है, उसे भी आप देख सकते हैं। सबसे लास्ट जो है ये सेशन है कि जब 2012 में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर ने बताया कि हमने केस का रखा है 27 मई 2013 को, और इसकी जो नेक्स्ट डेट मिली है वो आगे मिली 6 अगस्त 2013 को। तो इस तरीके से कई बार इन्होंने दिए, लेकिन कोई अभी सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया। पिछले 8 साल हो गए, बट काफ़ी दुख की बात है, काफ़ी लोग ओवर एज हो चुके हैं, फिर भी केस के बारे में डिटेल्स ले रहे हैं। तो ये हमारी गोपनीय कुछ सूचनाएं थी जो हमने काफ़ी सर्च किए। आप भी डिटेल ढूंढ सकते हैं इस साइट पे जाकर के, web.archive.org से। तो मेरा यहाँ पे सबसे कहना यह है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, मान लीजिए इस साल केस आता है, भगवान की दुआ से अच्छा है, तो हमें भी फायदा होगा। सभी 1.25 लाख से ज़्यादा जितने लोग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी को फायदा होगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि वो अपने वेबसाइट पे पहले ही बता रखा है 2012 से कि हमारा इस पर केस चल रहा है। तो ये था कुछ जानकारी, और भगवान से प्रार्थना कीजिए इस साल अगर वो वेबसाइट अपडेट कर रहा है, जिसका मतलब है कुछ न कुछ सकारात्मक रिजल्ट आने वाले हैं। ऐसा हर बार 2-4 महीने में या साल भर में 1-2 बार अपडेट देता है। ओके, तो उम्मीद है आपको पूरी वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी भारतीय जो जुडिशी सिस्टम है, न्याय पद्धति है, उस पर विश्वास रखिए, इंतज़ार करिए, इससे ज़्यादा हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है।
अधिक जानकारी के लिए नीचे प्लेलिस्ट में है, उससे आप और जानकारी जो 17 वीडियो पहले बना रखे हैं उसे भी आप देख सकते हैं। और एक जो है कि टेलीग्राम पे ग्रुप है, नीचे आपको लिंक भी दे देंगे, हम भी उसमें जुड़े हुए हैं, काफ़ी जानकारी उस पर अपडेट होती है, काफ़ी सीनियर्स हैं जो अच्छे अच्छे जानकारी अपडेट करते हैं उस, तो वहाँ से भी आप जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, उसे ज्वाइन किए रहेंगे, क्योंकि एकता में शक्ति होती है, सभी को जानकारी पता है, सभी लोग संगठित रहेंगे तो तभी कुछ न कुछ संभव होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कोई और जानकारी हो तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में एक दूसरे की टॉकिंग से निष्कर्ष निकल जाता है। ओके, हैव अ नाइस डे, हैप्पी रिपब्लिक डे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है अप्लाइड साइंस सोल्यूशन, उस पर जो है कि अप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ गए, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अप्लाइड साइंस सोल्यूशन, जो फर्स्ट स्टेप होगी ये दिखेगी, इसको आप ओपन करके और जो है कि इसमें पूरे स्टडी मटेरियल जितने भी हम बताते हैं आपको, वो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो देर न करें, आप प्ले स्टोर से अप्लाइड साइंस सोल्यूशन डाउनलोड करें और जो है कि उसका पूरा इन्जॉय लें। जी हाँ, यहाँ पे आपको चार सेक्शन मिलेंगे, कैरियर्स के बारे में, वीडियोज, वेबसाइट और डेली डोज। करंट अफेयर इसमें दिया रहेगा, इसमें जॉब्स के बारे में रहेगा, बाकी वेबसाइट में कोई अपडेट है वो दिया रहेगा, यूट्यूब पे कोई अपडेट होगा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से हैं तो कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए खास है यहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंटेंट मिलेगा, मोटिवेशनल वीडियो पेजेज है। आपको कोई क्वेरीज है तो आप यहाँ पर मे आई हेल्प पेज से आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, कुछ जानने का कोई चीज़ है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। बाकी जो है कि आप मोर में क्लिक करके आप कुछ चीज़ें हमारे डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। तो देर न करें, आप तुरंत प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।